दोस्तों आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आ चुका हूँ जिनमें क्या आपको 80+ का कंटेंट भर भर के देखने को मिल जाता है। सभी सीरीज काफी टॉप लेवल की है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एंजॉय कर लीजिए। वेल अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें काफी से हेल्प मिल जाएगी ऐसे कंटेंट बनाने में। बारकोड ये सीरीज आई थी साल 2018 में, जो कि बेस है क्राइम ड्रामा के ऊपर। अब सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है कुछ फ्रेंड्स की, जो कि एक बार में जाते हैं और बार में जाने के बाद वो कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज काफी इंटेंस ड्रामा के साथ देखने को मिलती है और सीरीज को IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। नंबर 5 पे हाल ही में सीरीज उल्लू की, जिसका नाम है लाल लिया। सीरीज को IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखो मिलती है एक मैरिड कपल की, जिसमें कि जो लड़की होती है ना, उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब उस सिचुएशन को वो कैसे लड़की मैनेज करती है, वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाएगा। सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि इस सीरीज को एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। सिटी ऑफ ड्रीम्स सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है मुंबई की, जहाँ पे एक पॉलिटिशियन की फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एसेसिनेशन होता है। अब वो कौन लोग करते हैं उनके ऊपर एसेसिनेशन, वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और सीरीज को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। साल 2018 में इस सीरीज, जिसका नाम है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, सीरीज को IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है कपल की, लेकिन अचानक से मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण वो कपल सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन क्या अपने अपने रास्ते जाने के बाद भी उनका प्यार बरकरार रहता है या फिर नहीं, वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और अगर आप एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज के फैन है तो भाई इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। 7/20 में सीरीज, जिसका नाम है रीति रिवाज, सीरीज को IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है। अब सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक ऐसी रीति रिवाज की, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस टाइप का भी कोई रीति रिवाज होता है असल में या फिर नहीं। अभी किस टाइप का रीति रिवाज है वो तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलने वाला है।